कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के सतकोदरिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दो घर जलकर हुआ खाक। बताया जा रहा है कि सोमवार की संध्या करीब 3 बजे लगी थी आग। आग लगने से लगभग 4,50,000 रुपए का नुकसान हो गया। चंद्रदेव मेहता उम्र 65 वर्ष ने बताया कि मैं ईंट भट्टा चलाता हूँ और अभी भट्टे में मिट्टी भराई का कार्य चल रहा था, इसीलिए मजदूरी देने के लिए 1,30,000 रुपया नगद, साथ ही फ्रिज, LCD, कूलर, जमीन के सारे कागजात, फर्नीचर, कपड़ा एवं खाने पीने के सारे सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि कुछ माह पहले ही मैंने अपने छोटे बेटे का विवाह कराया था, दहेज में मिले सारे सामान भी जल गया। वहीं इस मामले को लेकर के नगर CO अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, सतकोदरिया की कर्मचारी को मौके पर भेजा गया है। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 9,800 रुपए जल्द से जल्द मुहैया कराया जाएगा, साथ ही फिलहाल पॉलीथीन की व्यवस्था कर्मचारी को करने के लिए कहा गया है। ये जो आग कैसे लगी आपके? बिजली का शॉर्ट सर्किट। क्या क्या सब जला है? 1,30,000 नगद कैश जला। अच्छा, और फ्रिज जला और कूलर जला और क्या क्या जला है? फर्नीचर वगैरह जितना था सब, जमीन का कागजात वगैरह सब जल गया। हाँ, जमीन का पेपर जितना था सब। तो आप सुनने में आया कि आप अपने बेटे का शादी कराए थे छोटा, उसका दान दहेज का पूरा सामान उसी में था? टोटल सामान सब जल गया। सब जल गया, खाद्य सामग्री भी जल गई, कपड़ा कहीं कुछ है सब जल गया। तो अब इसके लिए क्या क्या किए? अभी आवेदन के बाद किसी से बातचीत हुई? सरपंच साहब, CO साहब से बात की। सरपंच साहब और CO साहब से बात हुई है? CO साहब ने क्या कहा? पदाधिकारी को भेज रहे हैं, भेजने के लिए कहा है, भेज रहे हैं। आए नहीं है वो लोग? हाँ, कर्मचारी का कुछ स्टाफ आए हैं। आए हैं, क्या मांग करते हैं? हमारा जो क्षति है वो मुआवजा दिया जाए सरकार से। कोई उपाय भी नहीं है खाने पीने का? दूसरा क्या उपाय? जो था वही था ना जी। हाँ, कैश इतना कैसे था घर में? कैश कैश हम भट्टा चलाते हैं। अच्छा। मिट्टी वर्क का काम चल रहा था। क्या नाम है आपका? चंद्रदेव सिंह। घर कहाँ है? सतकोदरिया। वार्ड नंबर 1। क्या आग कैसे लगा है? बिजली का शॉर्ट सर्किट से लगा। अच्छा, कैसे बिजली शॉर्ट सर्किट? जैसे बिजली का तार में स्पार्किंग हुआ उसी के द्वारा लगा जी। नुकसान भी हुए कुछ? और नुकसान तो काफी हुआ है। 1,30,000 रुपए कैश जला है और करीब 2,50,000 का सामान जला है, जिसमें कि फर्नीचर, बिजली का सारा सामान, फ्रिज वगैरह। आग तक कै बजे लगा है? आग लगभग 1:30 बजे लगा है। आज ही लगा? आज ही लगा। तो इसकी सूचना आप लोग उन्हें थाने उन्हें कहीं पे दिए सूचना? इसकी सूचना तो सरपंच साहब को फोन किए हुए थे जी। उसके बाद सरपंच साहब प्रखंड कार्यालय को फोन किए। प्रखंड कार्यालय से कोई आदमी आए थे जांच में? प्रखंड कार्यालय से अभी आए हुए थे कर्मचारी। आग नहीं समझ से कोई गाड़ी वाली तो फोन किए तो भी आए हुए थे, लेकिन तब तक ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू, मतलब ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया था। ठीक है। अच्छा, तो फिर आप क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? जो मुआवजा क्षति हुआ मुआवजा हमें मिलना चाहिए। तकरीबन टोटल कितने का संपत्ति क्षति हुई? लगभग 4.5-5 लाख। 4.5-5 लाख। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ और जिसका घर जरा वो इनका छोटा भाई है। अच्छा, कहाँ आपका घर है? इस जगह से बगल में घर। कौन सा जगह है घर? बीच के बगल में, सतकोदरिया। सतकोदरिया वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1। अच्छा, चलिए। आप जिस वक्त आग लगा तो उस वक्त थे वहीं पे? आग जैसे लगा हम तुरंत 2 मिनट के अंदर हम यहाँ घर पर पहुँचे। ठीक है। कैसे ये आग लगी और क्या जानकारी है इस मामले में? लगभग 2:30 बजे में फोन के द्वारा सूचना मिली कि लाइन का शॉर्ट सर्किट से चरतम मेहता के घर में आग लग गया है। तो गाँव को लोगों को खबर हुई तो गाँव के बहुत सारे लोग जुटे, आने बताने का प्रयास किया गया उन लोगों के द्वारा भी। फिर हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया, वहाँ से दमकल की गाड़ी भी आई। तब तक आग में लगभग काबू हो चुका था, उस गाड़ी के द्वारा भी आग पे काबू पाया गया। तो बाद में पता चला कि भट्टा का ये काम करते हैं, इनके पास अपना भट्टा है, ईंट भट्टा। तो अभी मिट्टी वर्क का काम चल रहा है, जिनके लिए घर में इनका 1,30,000 रुपया कैश के रूप में रखा हुआ तो वह जल गया। हाल ही में अपने छोटे बेटे का शादी किया गया था इनके द्वारा, तो उनके दान स्वरूप जो ससुराल से मिला तो वह सारा सामान, फर्नीचर का हो, इलेक्ट्रिक सामान हो,
खाद सामग्री, कपड़े लगते जो भी थे, खासतौर पे इनका जो जमीनी कागजात था और भी भट्ठा के कुछ जरूरियात कागज थे, वो सारा चीज जल चुका है। तो इसके लेकर क्या आवेदन आवेदन दिए हैं जी थाना में? अभी तो थाना में बात हो गई है, सीओ साहब से भी बात हुई है, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बात हुई है, उनके उन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो भी सरकार के द्वारा उचित मुआवजा वह दिया जाएगा, और आवेदन का काम हम लोग कर रहे हैं, शाम तक में हम लोग जैसे होता है थाना में आवेदन देंगे। कितना घर जला? घर लगभग इनका एक बड़ा सा घर था, वह घर पूरा जल गया, जिसमें दो रूम बना हुआ था, दो रूम उसका ही घर था, फूस का घर था, पिलर था, पिलर के ऊपर में ठाट था। जनप्रतिनिधि द्वारा क्या कोई चीज अभी तक तो कहीं कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। क्या परिचय है? मेरा नाम मोहम्मद एजाउर रहमान उर्फ पप्पू, सरपंच सतकुदरिया शहर अध्यक्ष के नाम। ऐसे ही खबरों के लिए करें SE24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।